भारत, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं कुछ मुख्य समाचारों की ओर। इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग शनिवार को दोपहर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इंदौर से बोरी के बीच चलने वाली यात्री बस क्रमांक MP-3GA-2052 फुल गावड़ी बाईपास पर दोपहर में करीब 3 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में बैठे सवारियों की चीख पुकार के बाद आसपास के राहगीरों एवं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला एवं एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल सरदारपुर भेजा, जहां पर CBMO डॉक्टर शीला मुलजालदा, डॉक्टर ML जैन, डॉक्टर नितिन जोशी, डॉक्टर अनिल पाटीदार आदि चिकित्सकों के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। हादसे के बाद अस्पताल में विधायक प्रताप ग्रवाले भी पहुंचे और घायलों को ढांढस बंधाया।